गन्ने के जूस से क्या E20 के अलावा एक पावरफुल रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। पहले तो इसको उबाल लेंगे जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता, देन हमें मिल जाएगा इस चिपचिपा सा गन्ने का गुड़। आधा लीटर गन्ने के रस से सिर्फ मिला 56 ग्राम गन्ने का गुड़। अब सिर्फ चाहिए 65% ऑक्सीडाइजर। दोनों को एक साथ मिक्स करने से हमें मिल जाएगा हाईली कॉम्बस्टिबल रॉकेट फ्यूल। अब एक साइड बंद PVC पाइप के अंदर मिक्सचर को डाल के बीच में एक होल छोड़ेंगे, जिससे कि विद इन फ्यू सेकंड चेंबर के अंदर बहुत सारा हाई प्रेशराइज्ड गैस बन पाए। फाइनली दूसरी साइड पे एक M-seal का नोजल छोड़ेंगे और हमारा रॉकेट मोटर तैयार। फ्यूज भी डल गया, अब सिर्फ बाकी है आपका एक लाइक का। एवरीथिंग इज सेट, नाउ काउंट डाउन पर लिफ्ट ऑफ होगा। 3, 2, 1। E20 की तरह ये भी फ्लॉप निकला, क्योंकि इसके अंदर मिला हुआ था नींबू नमक और पसीने से लुथपुथ हमारा गन्ने वाला भाई का हाथ का प्यार। पर हम हार नहीं मानेंगे, ये दूसरा वाला बैच विदाउट एनी इम्प्यूरिटीज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का बैटरी भी खत्म, अब मैनुअली आग लगाते हैं। सेकेंड बैच बहुत अच्छे से कम किया, पर हमारा नोजल प्रेशर को संभाल नहीं पाया। चलो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।